जय माता दी। हमे रानर हुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और आज हमने के बनी जा सिवान में और सिवान के आन बान शान कहे जाए वाला ललित बस स्टैंड के पंडाल के सामने। ये देख ली पंडाल हटे ललित बस स्टैंड में जौन बनेला, ये हर साल सिवान में सबसे खूबसूरत और सबसे भव्य पंडाल बनेला जौना के चर्चा चहू ओर होला। वही जा आज पहुँचल बन जा। सबसे पहले दिखा दी कि ललित बस स्टैंड हो, हालांकि अभी काम चल रहा बा सजावट के। मुख्य गेट है जो बन रहा बा और वह देख ली गेट बन रहा बा। एक बाद है समिति के बैठे के व्यवस्था रहेला जौन कि बन रहा बा, पूरा ही बाउंड्री हो जाई और अंदर जौन बा खूबसूरत कारपेट बिछा के सजावट हो जाए जा फाउंटेन वगैरह लागेला। और ये देख ली भव्य पंडाल के निर्माण हो रहा बा। पंडाल के निर्माण होता रहा देख ली, अभी निर्माण कार्य चल रहा बा। चूँकि परसों आँख खुले वाला बा, यानी कि 2 तारीख के सप्तमी बटे तो 2 तारीख ले ये पूरा फुल एंड फाइनल बन के तैयार हो जाए। ये जौन प्रारूप बन रहा बा एह साल, ये अयोध्या में जौन राम जन्मभूमि पर जौन भव्य मंदिर के निर्माण हो रहा बा ओकरे आकार देहल जा रहा बा। और ये भव्य राम जन्मभूमि के जौन मंदिर बटे ओकरे आकार देहल जाता बनावल जाता। तो हम चल के रुआ के, चूँकि अभी अंदर जाए के कोनो सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन के कहीं जाओ कि मतलब बनावे के प्रक्रिया चल रहा बा, पूरा काम हो रहा बा। वैसा आप देख सकते नहीं कि के तरीका से एकदम महीन महीन कारीगरी थर्मोकोल से काट काट के बनावल जा रहा बा। और वो जौन पत्थर के शेप जौन मंदिर बनता जौन में रही वो सारा कुछ बन रहा बा। ऊपर से काम मतलब एक तरह से देखा जाए तो 75% काम कंप्लीट हो चुकल बा, 25% बाकी बटे जौना खातिर 2 दिन अभी समय बा और पूरा दिनों रात एजा काम चल रहा बा। समिति के लोग भी बा और मंदिर निर्माण करे वाला कलाकार लोग भी बा। उस सारा लोग से हम बातचीत करे के कोशिश करें और जाने के कोशिश करें कि आखिर कब भैया समिति से हुआ बनी जौन निर्माण हो रहा बा पंडाल के। जी जी। का प्रारूप बनता सुनिए कि राम जन्मभूमि वाला मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर। अच्छा, तो ये बनावे वाला लोग कहाँ से है? कलकत्ता से। कलकत्ता से के हटे मेन नाम उम्बा के घर दादा का नाम हो दादा का नाम कौन बिट्टू मिंटू दादा संदीप 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 पाल कलाकार बने जेकरा टीम बा पूरा। हां, हर साल कहते जगह टेंट के या बोर्ड लागे लागी कौन टेंट निर्माण करा सम्राट। हाँ, टेंट हाउस। जी जी, सिवान के गौरव। हाँ हाँ हाँ, वो उसका मालिक रजस भैया। अच्छा, तो मतलब आप ही के माध्यम से वो कलकत्ता से आयल बनी। जी, तो मंदिर निर्माण हो रहा बा लगभग। अच्छा, ये बरी के लगभग अगर खर्चा के बात कर जाओ तो कितना लगभग खर्चा होगा? खर्चा पंडाल में और 12 लाख रुपया बा, खाली पंडाल में। खाली पंडाल में जी, बाकी सजावट वगैरह सारा सब लगे 20 पार हो जाए, 20 के आसपास जाइए। अच्छा, ये बरी लॉटरी वगैरह लगा था कि ना? वो करो व्यवस्था बा, काहे कि हर साल लॉटरी वाला चला ला किरो बावे। का का रही लॉटरी में? बाइक बा, बाइक, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब, साइकिल होके तो सैकड़ों पुरस्कार रहला उमे तो। हां हां हां, 1000 गिलास बा। अच्छा, बस तो उमे कितना रखल बा? 21 रुपया या 51 रुपया? 30 रुपया। 30 रुपया 30 रुपया के मतलब पर्ची रुआ कटाई मिल गई तब ठीक बा, ना मिलल तो माता जी के नाम पर चंदा में। अच्छा, कितना साल से जा मंदिर अथी बनल बा? 2003 से लगातार बनल बा, मतलब 19वां साल ना, 2 साल तो कोरोना में ना बनल रहे। 2 साल ना बनल रहे। हां, ओकर बाद फिर बनल लगा, मतलब 17-18 साल लगातार बनत हो। हां हां हां, ये देख ली 17-18 साल से लगातार यहाँ पर निर्माण हो रहा बा। अच्छा, समिति के क्या नाम है वालों के? सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति, ललित बस स्टैंड सिवान। जी, सद्भावना दुर्गा पूजा सेवा समिति जौन बा एकर निर्माण करावेला और हर साल होला और काफ़ी भव्य होला। रुआ सब देखले बनी जब पंडाल पूरा बढ़िया तरीका से बन के तैयार हो जाए तब हम आके यहाँ पर दिखावे के कोशिश करें। रुआ देख ली यानी घुमा के दिखा दें कि ये सम्राट टेंट हाउस है जौन कि हर बार ये पंडाल के निर्माण करावे के जिम्मेवारी लेला। कलाकार लो जौन बटे वो कलकत्ता से आयल बा चल के और ये पंडाल के निर्माण हो रहा बा और अभी पूरा भव्यता के साथ। आप मूर्ति वगैरह भैया कहाँ से आता है? मूर्ति के भी कलाकार वो कलकत्ते से। अच्छा, तो मूर्ति यही जा निर्माण होता कि आवता बाहर से? ना ना, यही जा यही जा बन अंदर बन चली ना दिखा दे। चली थोड़ा सा हम रुक अंदर भी चल के दिखा देता नहीं कि का कैसन मूर्ति वगैरह का अभी निर्माण हो रहा बा चूँकि फाइनल नहीं खे भाई। तो ये मेरी गेट है ना सर, रही का साइड से रही? अच्छा, एवं बा साइड से रही एंट्री करे के और फिर दूसरा तरफ निकले के व्यवस्था रही। ये देख ली अंदर मूर्ति के अभी पेंटिंग वगैरह के काम चल रहा बा और कलाकार लो जे बा मूर्ति के वजह मूर्ति के जौन बा अंतिम रूप जौन बा फाइनल टच जौन बाटे वो फाइनल टच देल जा रहा बा। और हे बार के जौन मूर्ति हम देख रहा बनी ये वस्त्र जौन बाटे वो पूरा मिट्टी के ही बाटे, पेंट करके बनावल गेल बाटे और पूरा फाइनल टच हो जाए।
ओकरा बाद सप्तमी के माँ के नेत्रोदय हुई, पूजा पाठ भी देखी चल रहा बा, कलश के स्थापना भइल बटे और इहां में पूजा हो रहा बा। बाकी एंट्री करे खातिर भैया हेने से रही? हाँ हाँ, फिर खुल जाई। अच्छा, हाँ, दो गेट खुल जाई, हेने से एक गेट रही, महिला पुरुष दो गुट गेट रही। अच्छा, अंदर भी रेवा देख ली कि अंदर भी कलाकृति जौन बटे पूरा, मतलब ये नहीं कि खाली बाहर से सजावल बटे, अंदर भी पूरा कला के प्रदर्शन बटे, अंदर भी फोम से पूरा थर्मोकोल काट के में चिपकावल बटे और पूरा जौन हमनी के यहाँ के वास्तुशिल्प बटे जौन कि भव्य राम मंदिर में इस्तेमाल होता, ओकरा के यहाँ पर पूरा अच्छा तरीका से प्रदर्शन बटे। देख ली जौन झूमर बनल बा वो कितना खूबसूरत बा, जूम करके दिखा दो, देखिए जो झूमर जौन है लटकावल बटे वो पूरा थर्मोकोल है, वो कितना खूबसूरत लगता। जब हमें लाइटिंग वगैरह लग जाए तो ये पंडाल के जौन खूबसूरती बटे और ही बढ़ जाए, यहाँ में चार चांद लग जाए। तो ये सिवान के गौरव आन बान शान कहे जा वाला पंडाल ललित बस स्टैंड की पंडाल है जौन कि यह बार अयोध्या में जौन प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण होता ओकरे प्रारूप देवे के कोशिश बटे, ओकर प्रारूप बन रहल बा। जब फाइनल हो जाए मंदिर तब हम आगे जरूर देखाएं। पंडाल के लग ही यहाँ पर हई भव्य शिवलिंग भी बनावल गेल बा जौन कि शिवलिंग भी स्थापित हुई। सबसे बढ़हन बात का बा कि शिवलिंग जौन बटे ये पूरा तरीका से थर्मोकोल से बनल बटे और थर्मोकोल से बना के ओकरा बाद एकरा के रंग पेंट करके तैयार कल बा। भगवान शिव के भी में मूर्ति दिखता, इन्हें देख ली कि कह सकें कि वर्कशॉप है, कार्यशाला है जहाँ पर मंदिर निर्माण खातिर अलग अलग जौन बा पार्ट्स जैसे गुम्बज वगैरह बा है दे बना के ओकरा के पेंट कर जाता, पेंट करके तैयार कर जाता ताकि वो सिल्वर कलर के दिखो। एकरा अलावा फोम के काम करे वाला जौन कलाकार बनाए है देख ली कि फोम काट काट के तैयार करते रहे। एक और चीज़ जौन बटे में ए बेरी आकर्षण के केंद्र रही वो रुआ के दिखा दी कि महात्मा गांधी जी जौन बनी महात्मा गांधी के फोम के ये मूर्ति बनावल बटे, ये देख ली कितना खूबसूरत लगता, पूरा एकदम चेहरा नाक नक्श वगैरह सब कुछ बटे। ओकरा अलावा चश्मा भी बनावल बटे, थोड़ा सा हमारा बुझाता कि मैं पेंटिंग वगैरह काम बाकी बा तो यो पूरा तैयार हो जाइए। चूँकि 2 तारीख के ही महात्मा गांधी के जयंती के दिन ही नेत्रोदय होता, सप्तमी है, आँख खुलता तो दिन यहाँ जब आएम तो महात्मा गांधी के थर्मोकोल के रउआ जौन मूर्ति बटे इहो देखे के मिली।